पर मंथ जमा कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आएगा। और राजधानी की अपनी फीस इकट्ठा नहीं लगती, किस्तों में आप जमा करेंगे। आपके मार्कशीट पे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स साइंस, ठीक है, मैथ साइंस है तो आप आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट दिखाना क्या क्या आपके पास, जाति प्रमाण पत्र है आपके पास 20 दिनों के, हाँ तो स्कॉलरशिप का भी मिलेगा जब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। मेरी समग्र आई डी है, ये आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र के लिए कितने दिन टाइम लगेगा, 20-25 दिन ना। क्लासेस के लिए क्या करोगे, क्लास अटेंड करना पड़ेगा ना, क्लास अटेंड करना पड़ेगा तभी तो सीखोगे। और कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो, क्वालिफिकेशन आपको मालूम है, ओनली 10th लगती है। और स्कॉलरशिप दो बार मिलेगी, फर्स्ट ईयर की अलग, सेकेंड ईयर की अलग मिलेगी। फर्स्ट ईयर में 6,650 रुपये मिलेगी, सेकेंड ईयर में 6,650 रुपये मिलेगी, यानी 13,000 रुपये टोटल आपकी स्कॉलरशिप रिटर्न हो जाएगी। एग्जाम फीस अलग लगती है, जो भी NCVT डिसाइड करती है वो आपकी एग्जाम फीस अलग लगेगी। डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया था, 10th की मार्कशीट, 2 फोटो, आधार कार्ड, समग्र आई डी, जीमेल आई डी, फोटो, आपके पासपोर्ट साइज हो क्या, फोटो, हाँ ये फोटो, ठीक है। और अभी आपके स्टार्टिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है, रजिस्ट्रेशन अभी कराया तो नहीं कहीं, रजिस्ट्रेशन भी चैनल से कराओ, अपने संस्था से कराओ। फाइल चार्जेस वो आपके 2 साल डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लगता है पैसा, तो ये अभी स्टार्टिंग में लगेगा। अभी आपको 2-3 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में पैसा जमा करने पड़ेगा, इसमें से आपको माइनस होना चालू हो जाएगा। राजा भोज में लेना, राजा भोज में ले लो, राजधानी में लेना, राजधानी में ले लो, दो ही दोनों संस्था यहीं पर देख लो उसको। राजधानी जमा करोगे मैडम, राजधानी की फाइल लाना, एडमिशन।